हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड क्रम्ब से टेस्टी नाश्ता, जो आप अपने मेहमान के आने पर भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए उबले आलू, कॉर्न उबला हुआ, हरी धनिया, एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, हरी मिर्च, ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले तो आलू को हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर से, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। इसमें डालेंगे प्याज चॉप किया हुआ। आप कॉर्न के सीड्स को हम इस तरह से चाकू से निकाल लेंगे, इस तरह से आप से ईजली निकाल लेंगे। इसे भी हम डाल देंगे बोल में। हरी मिर्च, हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को आप मिक्सी में डालकर चलाइए, बंद करिए, चलाइए, बंद करिए और ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सब को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में लगाना है थोड़ा सा घी। मिक्सर हाथों में लेकर इसकी एक बॉल बनाएंगे। इसके बीच में स्पेस करके चीज़ क्यूब इसमें रख देंगे। चीज़ इसे और भी टेस्टी बनाएगा। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है। और इसे टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए, इसी तरह से बाकी सब तैयार करके रख लेंगे। आप इसे तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और गेस्ट आने पर आप इसको तुरंत झटपट डीप फ्राई या सेल्फ फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इनको हम करेंगे सेलो फ्राई। अब हम इनको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह हम सारी कोट करके रख लेंगे। स्टिक पैन को रखेंगे गैस पर, फ्लेम को हाई पर रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इन कोट की हुई टिक्कियों को रखेंगे पैन में। आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या एयर फ्राई भी कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। इनके ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और जब ये नीचे से सिक जाएगी तब इसको पलट लेंगे। ये देखिए, इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इन सबको हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इन्हें गोल्डन होने तक सेक लेंगे। 4-5 मिनट में ये सिक कर तैयार हो जाएगी। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये देखिए, ये सारे गोल्डन हो गए हैं दोनों तरफ। अब हम इनको निकाल लेंगे, है ना, झटपट बन जाने वाला स्नैक्स। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। अपनी मनपसंद चटनी और सॉस के साथ सर्व करें। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप कभी से बना के ट्राई कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा।